खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, भैया अभी तक खाना नहीं मिला, 3:30 बज गए। हाँ बोलिए भैया। देखिए आज अभी 3:30 बज चुका है, आधे आदमियों को खाना मिला है, आधे आदमियों को खाना नहीं मिला है, और खाना मांगने पे बोलते हैं खाना खत्म हो गया है, दवाई नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, गर्म पानी नहीं दे रहे, कोई व्यवस्था नहीं, सुबह का नाश्ता नहीं मिला है, बताइए कैसे करें। हम लोग छोड़ छाड़ के भाग के चले जाएंगे, उसके व्यवस्था के जिम्मेदार आप होंगे भैया। कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है, थोड़ा ध्यान दीजिए हमारी तरफ, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा पूरा मामला, आप ख्याल करिए इस बात का। इसका नाम बोलिए हॉस्पिटल का, ये आपका मेडिकल कॉलेज कोविड केयर 200 टीवी टावर तरफ पड़ता है, 200 बेड वाला है जी। सफाई नहीं, सफाई वफाई कोई चीज नहीं है, कोई वैसे व्यवस्था नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई कंपाउंडर है, कोई चीज का कोई कोई व्यवस्था नहीं है पैसे का। सर सर हम तो 400 रुपए और सारे मुझे चार टाइम हो गया था, कल दोपहर को खाना 3:15 बजे, कल रात में खाना 9:15 बजे, आज सवेरे 10 बजे तक वहाँ खड़ा हुआ था लाइन में, नाश्ता नहीं मिला, केवल मिला अंडा, मैं प्योर वेज आदमी हूँ, अंडा नहीं खाता, सिर्फ एक केला मिला वो खाया, दोपहर का खाना 3 बजे में वहाँ पर लाइन में लग के मिला तो मिला। सर लोग बोलते हैं एक आदमी आइए, मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरा 4 साल का यहाँ बच्चा है, वाइफ और बच्चे को मैं वहाँ पर लाइन में नहीं ला सकता। अब ये लोग बोलते हैं सर लोग कि एक बार में वो मिलेगा, डॉक्टर नहीं बोलो लाइन वाला सिस्टम को सर, एक सेकंड सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई है सर, यहाँ पर 3 करोड़ सर, अगर हर कोई वहाँ पर को लगेगा वहाँ लाइन में, लाइन कितनी लंबी हो जाएगी सर, यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर पटवाने की व्यवस्था करिए, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग आपके सहयोग से, हम आप लोग बांटने के लिए हम लोग शामिल हो जाएंगे। और डॉक्टर के लिए बोलो भैया, डॉक्टर नहीं बोलो ना, डॉक्टर की सर मेरे को आज 4 टाइम हो गया, पहले बताया कल दोपहर देखे नहीं है डॉक्टर, देखे नहीं है, देखे तक नहीं है, आपको डॉक्टर नहीं आया, आज सवेरे भी डॉक्टर नहीं आया, देखे नहीं है, बोलो डॉक्टर देखा नहीं है, डॉक्टर परसों रात में आया था सर, मैं सोया हुआ था, रात को 9:30 बजी थी सर, एक महिला छोटा सा 1.5 साल की बच्ची है या बच्चा है, उसको लेके जैसे ही उठा वैसे ही फड़ाम से गिरा, सर में कहीं चोट भी लगा होगा, ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहा है, आधा घंटे तक हम लोग चिल्लाए बड़ा दरवाजा, आधा घंटे तक खुला नहीं सर दरवाजा, और आधा घंटे के बाद तुरंत तैयार हो के आते हैं, और उसके बाद जब तक हम उसको हमको लगा कि मिर्गी था उसको चप्पल को सुना तो उसको ठीक हुआ तो लेटाए, उसके बाद भी यार मतलब सर यहाँ पर डॉक्टर पूछने के लिए भी नहीं आते हैं सर, सबसे समस्या की बात ये है सर, हमको यहाँ पर आ रहे हैं, अगर हम वास्तव में सर अभी हम स्वस्थ दिख रहे हैं और स्वस्थ है, अगर हमको वास्तव में अगर हम अगर हम मरीज बन जाए, हमको सर्दी खांसी बुखार है, अगर हम मर भी जाए यहाँ पर कोई भी एक डॉक्टर नहीं रहेगा, नहीं आएगा सर, ये सबसे आम समस्या है, इसलिए सर एक निवेदन और भी करना चाहेंगे सर, यहाँ अगर आप लेके आते हैं रैपिड किट टेस्ट एंटीजन टेस्ट से हो रहा है सर, वो सही वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार जो हो रहा है ना सर, उसके कारण भी पॉजिटिव बता रहे हैं, तो हम लोग कम से कम 2 बार टेस्ट करवा दीजिए सर, हो सकता है कि उसमें मतलब नेगेटिव हो जाए तो हमको जबरन न रहना पड़े। हम समझ रहे सर, हम सब कुछ तो समझ रहे सर, हम टेस्ट कर रहे हैं, जिला शिक्षा विस्तार करें।
कोविड पकड़ा नहीं सर किसको बताएं सर, कोई सुनने के लिए है ही नहीं सर, कोई नहीं है सर, कोई नहीं है सर, कुत्ता कैसे